हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा अरवार। आज हम देखते हैं HTML में पैराग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले HTML में पैराग्राफ को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक ये देख लेते हैं कि जब पैराग्राफ हम सेट करते हैं तो पैराग्राफ को नए लाइन से लिखना स्टार्ट हमें करना चाहिए। और HTML में पैराग्राफ को सेट करने के लिए पी एलिमेंट का हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल HTML बॉडी, यहाँ पे हमने पैराग्राफ टैग के लिए पेरिंग टैग यूज़ किया है। तो ये पैराग्राफ का स्टार्टिंग मतलब ओपनिंग टैग, और ये पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग है मतलब स्लैश पी। तो ये ओपनिंग पी टैग है, ये क्लोजिंग पी टैग है। पैराग्राफ मैंने लिखा है, दिस पैराग्राफ कंटेन अ लॉट ऑफ लाइन्स इन द सोर्स कोड बट द ब्राउज़र इग्नोर इट। सेकेंड पैराग्राफ लिखा है मैंने, पैराग्राफ ओपनिंग लगा दी है पी, दिस पैराग्राफ कंटेन अ लॉट ऑफ स्पेसेस इन द सोर्स कोड बट द ब्राउज़र इग्नोर इट, एंड पैराग्राफ का क्लोजिंग सेट कर दिया। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ जो मैंने लिखा है, पैराग्राफ का ओपनिंग टैग यूज़ किया है, उसके बाद पैराग्राफ को लिखा है, द नंबर ऑफ लाइन इन पैराग्राफ डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ब्राउज़र विंडो, इफ़ यू रिसाइज द ब्राउज़र विंडो the number of line in this paragraph will change, then paragraph को का closing tag लिखा है, उसके बाद body को closing लगाया है और HTML का closing लगा दिया है। तो आइए हम देखते हैं कि ये तीन paragraph मैंने दिए थे और तीनों paragraph हमें देखिए new line से start हो रहे हैं, क्योंकि मैंने जो paragraph का p element का use करके paragraph को set किया है। Thank you। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो नए नए वीडियो में मेरे आने वाले हैं वो आप तक नए वीडियो का अपडेट्स जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।